मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ का जो लेसन है थ्री क्वेश्चंस, उसको हम आगे स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, पूरा लेसन जो है वो अबाउट थ्री क्वेश्चन है, कि लेसन का नाम भी थ्री क्वेश्चंस है और वो पूरा पार्ट हमारा थ्री क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो कल जो हमने वीडियोज पढ़ी थी या डाली थी, आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर हमने क्या था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू बिगनिंग ऑफ द वर्क, ये क्वेश्चन था। उसके बारे में बहुत से लोगों के जो विचार थे, विद्वान लोगों के जो मत थे, वो उसमें बताए गए थे फर्स्ट उसमें क्वेश्चन के जो दो वीडियो थे उनमें। अब वो तीन क्वेश्चन क्या क्या थे, एक बार फिर से हम उनको स्टडी करते हैं। व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को करने का सही समय क्या होता है, एक तो ये पहला क्वेश्चन था राजा के मन में उठा था वो। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट ही शुड लिसन टू, टू हुम शुड ही लिसन टू, कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए या किसी को किसकी बात माननी चाहिए, दूसरा ये था। तीसरा जो क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि करने की सबसे जरूरी क्या चीज़ है करनी, जो हमें करनी चाहिए। ये तीन क्वेश्चन थे जो राजा के मन में उठे थे और जिनके सवाल वो जानना चाहता था। तो पहले दो वीडियोज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया था कि लोगों ने क्या क्या अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि लोगों के क्या विचार आए थे जो राजा के सामने उन्होंने रखे थे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन था कि हुम शुड वी लिसन टू, कि हमें किसको ज़्यादा सुनने चाहिए, किसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये किसकी बात हमें ज़्यादा माननी चाहिए, यही बात थी। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, कि जो इन देर यहाँ कौन है, कि जो विद्वान लोग अपने अपने विचार प्रकट करने आते राजा वो थे। तो उन इन देर आंसर, कि अपने जवाब में टू द सेकंड क्वेश्चन, वो जो सेकंड क्वेश्चन था उसके जवाब में सम सैड, कुछ कहते हैं दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, जो राजा के लिए जो सबसे जरूरी व्यक्ति होते हैं कौन, वर हिज काउंसलर, उसके सभागण, मतलब उसके जो मंत्री वगैरह होते हैं वो उसके लिए सबसे जरूरी व्यक्ति होते हैं। अदर्स सैड, इसके विपरीत कुछ और जो लोग थे उन्होंने क्या कहा था, द प्रिस्ट, पादरी या पुजारी कह सकते हो, कि वो कुछ किसको, कुछ किसको इम्पोर्टेंट बताते हैं, काउंसलर्स को, और कुछ किसको इम्पोर्टेंट बताते हैं, प्रिस्ट को। अब इसके अलावा तीसरे जो व्यक्ति थे और भी जो कुछ विद्वान बच्चे हुए थे, वो किसको मानते हैं, ए फ्यू ऑफ चूज द डॉक्टर्स, और कुछ कहते हैं डॉक्टर को। तो अब तीन तरह के लोग आ गए, क्या बताया, कुछ ने काउंसलर्स को इम्पोर्टेंट बताया, कुछ ने प्रिस्ट को बताया, कुछ ने डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंट बताया, एंड येट अदर, और अभी भी कुछ हैं जो अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ कहते हैं कि नहीं, उसके सैनिक ही सबसे जरूरी व्यक्ति होते हैं। तो अब इन पैराग्राफ में हमें क्या चीज़ निकल के आ गई, सेकेंड क्वेश्चन के रिप्लाई में लोगों के क्या क्या मत थे, कि कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं राजा के लिए। कुछ ने कहा काउंसलर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा प्रिस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और कुछ ने कहा सोल्जर्स इंपॉर्टेंट है। ये बात किसके जवाब में कही, जो दूसरा क्वेश्चन था कि टू हुम शुड वी लिसन टू, हुम शुड द किंग शुड वी लिसन टू, कि राजा को किसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसके जवाब में ये लोगों के मत आए थे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है टू द थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन का क्या था, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, इस क्वेश्चन के रिप्लाई में टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, कुछ कहते हैं साइंस, कहते हैं कि साइंस इंपॉर्टेंट है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ किसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, फाइटिंग, युद्ध को, और एंड येट अदर्स, और इसके अलावा जो बच गए वो किसको मानते हैं, रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा, उनको इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो अब यहाँ पे भी जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें भी क्या था, एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई। कैसे, कुछ ने तो साइंस को इम्पोर्टेंट बताया कि नहीं, विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वही कार्य करना चाहिए विज्ञान से संबंधित, कुछ ने कहा कि नहीं युद्ध करने चाहिए, कुछ ने कहा नहीं धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ जरूरी है वो करने चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरे क्वेश्चन के जवाब में, एज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि हमने देखा कि जो राजा के क्वेश्चन थे उसके जवाब में बहुत से लोगों के अलग अलग क्या थे, आंसर थे, रिप्लाई थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, अब राजा संतुष्ट नहीं हुआ कि किसकी बात माने, किसको सही माने, किसको गलत। सो द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट होना, तो राजा जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ।
एंड गिव नो रिवार्ड, रिवार्ड होता है इनाम, तो इसलिए किसी को इनाम नहीं दिया। जैसा कि हमें पता है कि इस लेसन के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि राजा ने अनाउंस किया था ही विल गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिवार्ड फॉर द ऑफ दैट पीपल हु गिव द आंसर ऑफ द थ्री क्वेश्चंस, हमने ये पढ़ा था। तो ये अब उसने किसी को इनाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया इनाम, क्यों, बिकॉज द किंग वर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द पीपल हु केम टू देयर, वहाँ जो लोग आए थे उनके आंसर से वो खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। इसके बजाय ही डिसाइड टू सीक एडवाइस, उसने एडवाइस होता सलाह और सीक होता लेना, उसने इसके रिवार्ड या उनकी बात मानने के अलावा उसने क्या सोचा, इंस्टेड बजाय ही डिसाइडेड, ही कौन है राजा, डिसाइडेड टू सीक एडवाइस, सलाह लेने की सोची फ्रॉम ए सर्टेन हर्मिट, एक साधु है, सर्टेन होता है उसको वो जानता होगा, एक निश्चित कोई साधु होगा, हर्मिट होता है साधु, उस जो एक साधु से सलाह लेने की सोची, हु वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था वाइडली पूरे उसमें राज्य में या वहाँ पे, वो बहुत अपनी बुद्धिमत्ता, विजडम होता बुद्धिमत्ता, फेमस होता है प्रसिद्ध, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, ये हम तो हमने पढ़ा कि राजा अब क्या सोच रहा था, एक सलाह लेने की सोच रहा था, किससे, एक हर्मिट से, हर्मिट कौन होता, साधु से, तो वो जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या राजा गया या नहीं गया। तो उसके बाद द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, अब यहाँ पे ये बताया गया कि जिस साधु का जिक्र कर रहा था वो कहाँ पे रहता था, वो सारी चीज़ें आई है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड होता है या फॉरेस्ट, लकड़ी नहीं है, तो जो साधु वो कहाँ रहता था, एक जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट, मतलब वो जंगल से को कभी नहीं छोड़ता था, वो हमेशा जंगल में ही रहता था। ही सो नो वन बट, वो किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल, केवल साधारण, मतलब बड़े जो रईस या बड़े जो लोग होते थे उनसे किसी से नहीं, एक साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लोथ, इसलिए राजा ने भी जो साधारण कपड़े, ऑर्डनरी होता साधारण कपड़े पहनते, जो आम आदमी पहनता, वैसे राजसी छाट बाट वाले नहीं। बिफोर ही रीच द हर्मिट, और राजा क्या, बिफोर ही रीच, या ही कौन है राजा, तो वहाँ साधु के पास पहुँचने से पहले, बिफोर ही रीच द हर्मिट, मतलब राजा के पास पहुँचा उससे पहले, साधु की झोपड़ी के पास पहुँचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना जो उसका घोड़ा था राजा ने वो भी छोड़ दिया, विथ हिज बॉडी गार्ड, जो राजा की बॉडी गार्ड होता अंगरक्षक, अपने अंगरक्षकों के पास, एंड वेंट अलोन, और अकेला ही चला गया, अकेला ही गया वो। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, और जैसे राजा हर्मिट उस साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि वो साधु क्या है, डिग होता है डिगिंग, खोद रहा था, या डिग खोदना, डिगिंग खोद रहा था, द ग्राउंड जमीन को खोद रहा था, इन द फ्रंट ऑफ द हट, अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड, ग्रीटेड होता मिलना, ही कौन है, ही यहाँ हर्मिट है, ही ग्रीटेड मतलब साधु मिला द किंग, टू द किंग, राजा से मिला, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और जो उसको खोदने का कार्य था वो करता रहा, कंटिन्यू होता करता रहा ना, लगातार करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड, और द हर्मिट वॉज ओल्ड, तो साधु कैसा था, बूढ़ा था, एंड वीक, और कमजोर भी था, एंड ही वॉज वर्कड, वो जैसा कि वो कार्य कर रहा था, ही ब्रीथ्ड हैवीली, तो जैसे हम काम करते तो हमारे सांस तेज हो जाती है, फूलते हैं, उसी प्रकार वो मतलब काम करते हुए हाफ रहा था, या बहुत उसकी जो सांसें हैं वो तेज गति से चल रही थी। ठीक है, यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया कि राजा साधु से मिलता, तो साधु उस वक्त क्या है, अब जमीन खोद रहा था अपने झोपड़े के सामने, और वो कार्य करते हुए हाफ रहा था। तो उसके आगे सुनते हैं, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा साधु के पास जाता है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, साधु के पास जाता है, एंड सेड, कहता है, आई हैव कम टू यू, कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट है बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन, तीन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वो अपने वो तीन प्रश्न बताता है, क्या तीन प्रश्न, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही समय पर
सही कार्य किया जाए, कि सही कार्य किस प्रकार से कर सकता हूँ, ये किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये प्रश्न जानना चाहता हूँ मैं। दूसरा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था। एंड व्हाट आर अफेयर्स, होता मामले, अफेयर होता मामले, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए कौन से मसले या मामले बहुत जरूरी होते हैं, हैं। ये तीन प्रश्न मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब राजा, द हर्मिट साधु लिसन टू द किंग, जो साधु है वो राजा की बात सुनता पूरी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और जो अपना कार्य था खोजने का वो जारी रखता है। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, राजा उससे कहता है यू आर टायर्ड, कि आप थक गए, यू कौन, साधु, यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड होता फावड़ा, कि मुझे आपका फावड़ा लेने दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह पे मैं कार्य करता हूँ, ऐसा राजा कहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।